वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। ये वीडियो हिस्ट्री थोड़े दिनों के बाद लिख ली क्योंकि थोड़ा हम लोग एग्जाम्स में बिजी थे इसलिए। हम आपको शेर मैसूर के बारे में बताने वाले हैं, यानी टीपू सुल्तान के बारे में बताने वाले हैं। जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, मुस्लिम्स के फ्रीडम फाइटर थे और हिंदुस्तान के भी। और आप हिंदू मुस्लिम से भी मोहब्बत करते थे। आपकी पैदाइश 10 नवंबर 1750 को बेंगलुरु कर्नाटका में हुई। आपका रियल नेम सुल्तान फतेह अली साहब टीपू था और आपका रिलीजन इस्लाम था। आपके फादर यानी बाबा का नाम हैदर अली था। हैदर अली एक मिलिट्री ऑफिसर थे। आपकी माँ यानी मदर का नाम फातिमा फखरुन्निसा था। अब हम आपको एक पॉइंट बताने वाले हैं टीपू सुल्तान के वालिद साहब यानी हैदर अली साहब का एक पॉइंट बताने वाले हैं। वो भी एक बहादुर शख्सियत और बहादुर इंसान थे। आपकी ताकत यानी आपके जज्बे से 1761 में बादशाह बने, कहाँ के मैसूर के बादशाह बने यानी रूलर बने और आप वहाँ के फंक्शन थे। आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि हैदर अली टीपू सुल्तान हैदर अली साहब के फर्जंद हैं। हैदर अली साहब के सबसे बड़े फर्जंद थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से लोग जानते थे क्योंकि जब शेर मैसूर का नाम जब लेते थे मैसूर में तो ब्रिटिश इतना डर जाते थे कि उनकी रूह कांप उठती थी। हिंद भी कहा जाता था, शेर मशरक भी कहलाते थे यानी टाइगर ऑफ ईस्ट। टीपू सुल्तान को बचपन ही से पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। सुल्तान को एक बहुत बड़े उस्ताद ने तालीम दी, जैसे कि निशानेबाजी और घुड़सवार करना और तलवारबाजी करना। साहब जो कि एक बड़े मिलिट्री ऑफिसर थे, आपने टीपू सुल्तान को तालीम दी यानी और वो तालीम सीखकर टीपू सुल्तान एक बहुत बड़े बहादुर सोल्जर बने। टीपू सुल्तान ने अपने जज्बे के साथ 15 साल की उम्र में अपने बाबा जान यानी हैदर अली साहब के साथ जंगों में शरीक थे और टीपू सुल्तान एक इंसाफ पसंद बादशाह थे। साथ रहम दिली भी थे। देखिए ब्रिटिश कितने गलीज थे, ना ब्रिटिश में दिल था, ना इंसाफ था, ना रहम करते थे। बिना रहम के लोगों को यानी हिंदुस्तान के लोगों को मारते गए और पूरा हिंदुस्तान और हिंदू मुस्लिम में लड़ाई पैदा करते थे। देखिए आप एक दूसरे में मोहब्बत लाइए, जैसे कि टीपू सुल्तान गरीब और ऊंच नीच को ऐसे नहीं करे, वैसे आप भी गरीब और अमीर को ऐसे नहीं करना, एक जैसा मानकर चलना। वो यानी टीपू सुल्तान गरीबों के दुख और दर्द में हमेशा शामिल रहते थे और शरीक रहते थे। जैसे कि मैसूर के जो लोग रहते हैं, छोटी बड़ी बातों पर अगर छोटी मोटी अगर लड़ाई हो गई तो वो लड़ाई को सॉल्व करने के लिए टीपू सुल्तान ने एक खारी को मुकर्रर किया था कि एक खाजी को मुकर्रर किया था, क्योंकि जो लड़ाई छोटी मोटी होती है उसको सॉल्व करने के लिए। और आप मस्जिद और मंदिर भी तामीर करवाए थे। देखिए दोनों को भी अपने साथ इक्वल समझ के और अपने देशवासी है यानी देश के एक मेंबर है बोल के वो सोच रखकर टीपू सुल्तान ने मस्जिद और मंदिर भी बनाई। और आप एक ही खुदा को मानते थे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को। मंदिर इसीलिए तामीर की थी कि क्योंकि आपके ज़माने में हिंदू बहुत मिलनसार रहते थे और भाईचारे को दिल से मानते थे और मुसलमानों को भी अच्छा दिल से चाहते थे। अब के हिंदू जो थोड़ा भटक गए हैं और बहुत
अब मुसलमान के साथ भी अलग पेश आते हैं और बहुत अलग है आपके हिंदू। और आप जैसे देखें कि हम लोग पहले भी फ्रीडम फाइटर के बारे में बताया, जैसे कि अब्दुल कलाम आजाद, वो भी मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी को एक करना चाह रहे थे, क्योंकि हिंदू बहुत मिलनसार थे पहले के ज़माने में भी, जो कि अब्दुल कलाम आज़ाद भी वही चाहते थे और अपने औलिया अल्लाह भी यही चाहते थे। जैसे कि आपको एक वाक़ा मालूम होगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, एक हिंदू की डेड बॉडी आपके घर के अंदर गुजर रही थी, तो आप एक जगह पर बैठे हुए थे, तो आप उठ कर घर गए, क्योंकि अदब, आप हर एक का अदब करते थे। टीपू सुल्तान की फौज यानी सोल्जर्स में हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे, और आपने हुकूमत के दौरान लाल बाग का भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, जो कि हैदर अली साहब ने वो प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। और आपने सिल्क का कपड़ा भी इन्वेंट किया था। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, टीपू सुल्तान ने सिल्क का कपड़ा भी इन्वेंट किया और सिल्क के कपड़े की फैक्ट्री भी बनाई, जैसे कि आपको मालूम सिल्क का कपड़ा, और आपके सिल्क के कपड़े के सेलर यानी आप कंट्री के बाहर भी सिल्क के कपड़े को भेजे, जैसे कि श्रीलंका, ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान और बहुत सारे हैं। और आपने यानी टीपू सुल्तान ने कई फार्मर्स को यानी कई किसान को लैंड्स यानी जमीन के वो बनाए, ओनर बनाए। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। देखेंगे टीपू सुल्तान की खुददारी, आप देखिए अपने देश से कितनी मोहब्बत करते थे, आप अपने देश में ही बने हुए कपड़े पहनते थे, कभी आप दूसरे मुल्क से जो इम्पोर्ट होकर कपड़ा आता है वो कभी नहीं पहने। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है। आप देखिए कितने खुददार थे। वैसे ही आपको एक वाकया पता होगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक तोपे मुबारक था, वो जगह जगह से फटा हुआ था, तो आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सीवन यानी सीकर पहनते थे, और आपको वो तोपे ऐसा फेंका नहीं, वो अदाए मुबारक अपने औलिया अल्लाह में आई। माने में देखिए आप, हर बच्चा बोलता है कि इम्पोर्टेड कपड़ा चाहिए, इम्पोर्टेड कपड़ा। आप देखिए अपने हम और आप मिलकर अपने मुल्क के खुददार पना लाना और अपने मुल्क को आगे बढ़ाने की सोचना। आपको मालूम है कि जंग में नए सामान यूज़ करते हैं, नए नए सामान को पहले टीपू सुल्तान ने ही इस्तेमाल किया था। यानी टीपू सुल्तान को फादर ऑफ रॉकेट भी कहा जाता है, क्योंकि फादर ऑफ रॉकेट की टेक्नोलॉजी टीपू सुल्तान और आपके वालिद यानी हैदर अली साहब ने निकाला था यानी इन्वेंट किया था। और आप यानी टीपू सुल्तान का मुकाबला एक बार शेर से हुआ था यानी टाइगर से हुआ था, आपने उसको मार डाला यानी चीर डाला था, इसलिए आपको शेरे मैसूर कहलाते थे लोग। शेरे मैसूर के नाम से ब्रिटिश यानी अंग्रेज बहुत ज्यादा डरे हुए रहते थे। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के सख्त खिलाफ थे और आप अंग्रेजों को देश से जड़ से निकाल देना चाहते थे। सुल्तान ने अंग्रेजों से यानी ब्रिटिशों से कई बार जंग लड़ी और उस जंग में अंग्रेजों यानी ब्रिटिशों को हरा दिया था। और लेकिन एक दफा ऐसा हुआ कि टीपू सुल्तान के साथी यानी सोल्जर्स को लालच देकर अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया था। देखिए लालच बहुत बुरी बला है, मरते वक्त आपकी जुबान पर यानी टीपू सुल्तान की जुबान पर ये अल्फाज थे कि इसका मतलब ईदर की सौ साल की जिंदगी से
शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। आप 1799 को 4th मई को आपका इंतकाल हुआ। खुश रहो पहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले। कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। आपके जब इंतकाल हुआ था, ब्रिटिश ने इतना डर था ब्रिटिश के अंदर, आपकी जब डेड बॉडी जब थी ना, जब आपकी डेड बॉडी के करीब 3 दिन तक नहीं गया, आपके इंतकाल के बाद 3 दिन तक आपकी डेड बॉडी के करीब कोई नहीं गया, किस डर से आप कहीं फिर उठकर पूरों को मारना देंगे। देखिए आपका खौफ इतना था और अब है, आपका खौफ जब भी था और अभी भी है। आपको बोलनी थी कि अब ये टीपू सुल्तान की हिस्ट्री में हम थोड़े आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आपको हिस्ट्री बोले। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको हम वार्स के बारे में बताएंगे, जो टीपू सुल्तान वार्स किए थे। तो आप लोग कैसे रह रहे हो, ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। आप लोग तो हमारा चैनल शेयर ही नहीं कर रहे फॉरन कॉमेडी, आप प्लीज़ ज़रा आपके दोस्तों को हमारा चैनल भी शेयर करिए। और आपको पिछले वीडियो में बताया कि फॉरन कॉमेडी लाइक का भी चैनल खुला, आप उसमें भी नहीं देख रहे। आप ज़रा प्लीज़ अगर आप लाइक कमेंट्स कर देंगे तो हमारा भी दिन अच्छे वीडियोस आपको दिखाना पड़ता। चलिए आप ज़रा प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रा शेयर करिए। हम लोग इंस्टाग्राम पे भी मॉरल कॉमेडी उसके पेज हुआ, आप उस पर आपको हमको फॉलो कर सकते। अल्लाह हाफिज़ क्या मिल रहा।